मुझे पेड़ा ही बनाना आता है। बच्चा समझ ली है। एक लड़की का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, जब चूल्हे के आगे आपके ऊपर पसीना आ रहा होता है, आप गर्मी के अंदर चूल्हे में रोटियां बना रहे होते, तो अगर कोई बोलते मुझे एक और रोटी बना, तो आप कहते हो खुदा खुदा के अपनी रोटी बनाओ। मुझे पता है कि कोई इतना रोटियों का हिसाब नहीं रखता होगा जितना बनाने वाला रोटियों का हिसाब रखता, उसको पता होता है कि मैंने कितनी रोटियां बनाई, कितने पेड़े बनाए और कितने पेड़ों का आटा मैंने गूंदा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुबई, सऊदी अरब, कीनिया, मलेशिया, मालदीव, जहाँ जहाँ पे देखा जा रहा है इंडिया, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमने सोफे नहीं लगाए हुए, आज हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है, हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ आप वाली वीडियो करें ना, व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मैंने बहुत सारी, ऑब्वियसली आप यूट्यूब सर्च करते रहते हैं, यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग ऑल ऑफ दीज वीडियोज प्रीवियसली, जब मैं देखा करती थी वो ये कि परफेक्ट लड़की परफेक्ट तरीके से उठ रही है, परफेक्ट तरीके से अपना क्विल अपने मुँह से हटाती है, परफेक्ट तरीके से जो है वो चेहरा धुल रहा है, और फिर उसके बाद परफेक्ट तरीके से किचन बिल्कुल परफेक्ट है, और फ्रिज बिल्कुल परफेक्ट है, और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिक तरीके का एक नाश्ता खाती हैं, उसमें सैलड्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, और क्या क्या होता है, लेकिन मेरा नाश्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। व्हाट आई ईट इन अ डे की हम वीडियो तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन येस व्हाट आई ईट इन माई ब्रेकफेस्ट उसकी आज हम वीडियो कर रहे हैं। मेरा ब्रेकफेस्ट रोज़ एक ही तरीके का होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, माशाल्लाह मेरी एक एयरिंग गिर चुकी है, सो ये होता रहता है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आज मैं एक एयरिंग पहनूंगी अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे फीडबैक ये आया था कि हिना अल्ताफ अपनी हर वीडियो में एक नई एयरिंग पहनती है, सो मुझे फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड येस मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर वीडियो में एक नई तरह की एयरिंग पहनूँ, सो मेरी ये वाली एयरिंग थी आज की, पता नहीं दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, सो ये एयरिंग मैं हमेशा पहनती हूँ। सो अब मैं इसको थोड़ी देर में पहन लेती हूँ, अभी गिर गई, आई डोंट नो व्हाई क्यों गिर गई है, बट येस। सो आज का जो वीडियो है, इट्स व्हाट आई ईट इन माई ब्रेकफेस्ट। मैं अपने ब्रेकफास्ट में, मेरा रोज़ एक ही तरीके का नाश्ता होता है, वो होता है अंडा, पराठा और चाय और अचार, और रोज़ खाना अच्छा नहीं है। मैं खुद रेकमेंड करती हूँ कि फ्रूट्स होने चाहिए, ओटमील होना चाहिए, ये भी मैं खाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाती, फिर मेरी क्रेविंग बढ़ती है, मुझे पराठा चाहिए होता है, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स जो बचपन से ज़िंदगी पराठे पर गुजारती हुई आ रही है। मैं जब सुबह उठती थी मुझे अपना पराठा चाहिए होता था, चाय चाहिए होती थी, और बाकायदा मैं पराठे के साथ अचार को लुकमा बना के चाय के अंदर से उसको डाइव करवा के अपने मुंह के अंदर रखती थी, और वो जो मज़ा आता था चाय पराठा और अचार का, आई थिंक दैट्स समथिंग एल्स। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं बिना नाश्ता बनाऊंगी, विच इज़ पराठा, विच इज़ अंडा, और चाय तो मैं नहीं बनाऊंगी, बिकॉज हम सभी को चाय बनानी आती है, अगर नहीं आती तो खुदा के नाम पर सीख लें, बिकॉज ये तो आनी ही चाहिए। और उसके साथ अचार तो मैं नहीं बना सकूंगी, लेकिन अंडा यानी कि ऑमलेट जो मैं खाती हूँ रोज़, और पराठा पूरा बना के दिखाऊंगी। अच्छा, हो सकता था कि मैं यूजुअली, हाँ मुझे खाना पकाना इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो बेसिक्स हैं जैसे ऑमलेट बना लिया, पराठा बना लिया, आटा गूंद लिया, रोटी बना ली, ये चीज़ें मुझे फॉर श्योर आती हैं, और मुझे आटा गूंदना था आज वीडियो में, मैंने कहा था कि आज मैं वीडियो में आटा गूंदूंगी, मुझे आज कहा गया कि नहीं बाजी मैं आपके लिए पेड़ा बना के रख देती हूँ, आप डायरेक्ट पराठा बना ले, मैंने कहा नहीं मैं आटा भी गूंदूंगी, आपको आज सबको दिखाते हैं कि मुझे आटा गूंदना आता है। और आटा गूंदना इज़ समथिंग वेरी ट्रिकी, क्योंकि इसके अंदर कभी कभार पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है, मेक श्योर कीजिए कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली आपके हाथ यूज़ हो रहे होते हैं, तो हाइजीन का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है आपने। सो मेरे पास ज़्यादा आटा नहीं है, कम आटा है मेरे पास, सो मैं उसके साथ बहुत आई थिंक एक ही पेड़े का हम पराठा बनाएंगे, जाहिर है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा आटा गूंदना है, ज़्यादा आटा नहीं गूंदना है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सब लोग कौन कौन से, किस तरह के नाश्ते आप लोगों को पसंद हैं, किस तरह का नाश्ता करना पसंद करते हैं। मैं तो हार्ड कोर अंडा पराठा एंड चाय वाली लड़की हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ओट मील, फ्रूट ये सब खाने चाहिए, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाती, लेकिन हाँ जहाँ मुझे पता हो कि नहीं यार, आई हैव टू लूज फैट एंड यू नो एवरीथिंग, सो आई मेक श्योर कि मैं कर लूँ, लेकिन यार ये पराठे से कैसे मतलब किया जाए, पराठों के बगैर तो नहीं हो पाता। पापों से मैंने अपनी जान छुड़ा ली है, पापे मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, लेकिन पराठा नहीं बॉस, नहीं हो पाता। और ख़ास तौर पे जितनी ख़वातीन जिस गर्मी में किचन के काम करती हूँ, मेरा तो सलूट है उन्हें,
क्योंकि इस वक्त कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी है और लाइट का इतना मसला जा रहा है और यू नो बार बार हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार लाइट जा रही थी, इतना कुछ हो रहा था. सो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़ों को देखना, और जिस गर्मी में हम किचन में जा रहे होते हैं. तो कोशिश कीजिए कि जो ख़वातीन आपके लिए काम करें, जो भी आपके लिए काम करें, उनको अप्रिशिएट करें. अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट काम कम करें, काम कम करवाएं उनसे. और यस, एक ही से किया जा सकता है बल्कि ये तो डबल हाथ यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, वैसे हमारे घर में जब आटा गूंथता था तो हम उसमें नमक ज़रूर डालते थे. बहुत सारे लोग तेल डालते हैं, बहुत सारे लोग नमक डालते हैं. जैसे मेरे घर में नमक डाला जाता था, मेरी खाला के घर में तेल डाला जाता था, नमक नहीं डाला जाता था. सो वैसे आपस की बात है, मैं बहुत दफ़ा आटा जब मैंने गूंधा, मैं नमक डालना उसमें भूल जाती थी. आज तक मुझे एज सच कोई डिफरेंस तो फील नहीं हुआ रोटी में. अम्मी आप नमक डालती हैं? अच्छा, लेकिन आज एक काम करते हैं, नमक नहीं डालते. अच्छा, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने कर लिया. जितना खुश आटे की हमें ज़रूरत नहीं है उसको मैंने अलग कर दिया है. मेक श्योर कि आटे को ज़ाया नहीं करें. ज़ाया करना इज़ वेरी रॉन्ग और ये गलत बात है, तो ये नहीं करना. और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितनी देर में आटा गूंध लेते हैं. और बहुत सारे, जैसे मेरी वालदा, व्हेन आई यूज़ टू डू ऑल ऑफ दिस, सो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि ये एक बड़ा आर्ट है जो मुझे आता है. कि मेरी अम्मी मुझे कहती थी एक पेड़े का आटा गूंध लेती है ना, क्योंकि मेरी अम्मी को ना हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि कम से कम 8 या 7 रोटियों का आटा गूंधना आना चाहिए. तो मेरी अम्मी कहती थी ये तुम एक पेड़े का आटा कैसे गूंध लेती हो. सो आई वॉज लाइक मॉम इट्स कॉल्ड टेक्निक. मेरा जो आटा है वो हो चुका है पूरा, और अब मैं क्या करूँगी कि इसका मैं पेड़ा बनाऊँगी और उसका मैं बनाऊँगी पराठा. पराठा लोगों के घरों में अलग अलग तरीके से बनता है. जैसे मेरी खाला के घर में, क्योंकि मेरा बचपन मेरी खाला के घर में बहुत ज़्यादा गुजरा है, सो हमारी खाला के घर में जो आटा बनाया, जो आटे से जो पराठा बनाया जाता था वो गोल तरीके से बनाया जाता था. उसको पहले सर्कुलर मोशन में करते थे, उसका पूरा एक रोल तरीके का कुछ बनाया जाता था और फिर उसका से गोल गोल करके पराठा बनाया जाता था. हमारे घर में स्क्वायर तरीके से बनाया जाता था. इसको स्क्वायर करते थे, फिर उसके अंदर तेल लगाते थे, फिर उसको ऐसे ऐसे करके बंद करते हैं और फिर उसको बेलते हैं, बेलते बेलते हैं और फिर छपाक करके तवे के ऊपर डाल देते हैं. सो यस, मैंने अपना आटा गूंध दिया. लेकिन मीन वाइल मैं बनाऊंगी सबसे पहले ऑमलेट. आटा मैं अपना गूंध के साथ साइड पे कर रही हूँ. सो अच्छा, मेरे हाथ थोड़े से भी मेसी हो गए, सो आई एम गोना वॉश माई हैंड्स एंड क्लीन देम प्रॉपरली, सो मैं ऑमलेट की तरफ जा सकूँ. ऑलराइट, सो यस, आई हैव क्लीन माई हैंड्स और अब मेरा जो आटा है वो मेरे इस बाउल में है. और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काटूंगी. वैसे अगर मैं खुद नॉर्मली ऑमलेट खाती हूँ तो मैं नॉर्मल एक ऑमलेट उसके अंदर थोड़ी बहुत वो नमक मिर्च डाल के उसको मैं खा लेती हूँ. लेकिन क्योंकि जो आजकल मेरे लिए बन रहा है उसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च शामिल है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये काटेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको काटना कैसे था. वैसे आपस की बात है, मैं सब्ज़ियाँ काटने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ. बहुत अच्छे टमाटर काटे मैंने. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी नाइस. अच्छा, ये मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितने अच्छे काटे हैं. एक सेकेंड, तो बल्कि काम करते हैं कि इसको अभी हम, क्योंकि मुझे आधा टमाटर की ज़रूरत है, मुझे पूरे टमाटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई थिंक दिस टमाटर इज़ मोर देन इनफ. तो उसको भी हम साइड पर कर देते हैं और अब हम काटेंगे प्याज. प्याज मुझे काटनी नहीं आती, अब अल्लाह खैर करे कि कैसे होगा. अच्छा, आधी प्याज मेरे हाथ में आ चुकी है विदाउट द छिलका. सो अब इस छिलके के बिना की उसको प्याज को हम काटेंगे. इसका मुझे अलग करना पड़ेगा. ओके, आई एम ट्राइंग कि जितना छोटे एंड क्यूब्स में कट सकता है कट जाए. क्यूब्स की टेक्निक मुझे एज सच कोई आती नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. जितना छोटे पीस में मेरे मुझसे कट सकता है मैं काट दूँ.
वेरी नाइस, इतने अच्छे नहीं कटे लेकिन नॉट बैड। इसको फिर हम खुद ही चॉप कर देते हैं बीच में से। अच्छा इतना बुरा भी नहीं हुआ, अच्छा अच्छा हुआ है। ओके सो ये भी कट चुके हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं इसको डालूंगी एक प्लेट में, इन चीज़ों को करूंगी साइड पे, बिकॉज अभी हमारे इस वक्त यूज़ में नहीं, ये चीज़ हमारे यूज़ में। आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब विथ ऑल द कटिंग एंड एवरीथिंग। मैंने अपने कटिंग बोर्ड से डायरेक्ट गिरा दिए हैं अपने प्याज और टमाटर अपनी प्लेट में, और आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। मुझे लगता है कि थोड़े से हाँ ज़रा और मज़ीद चॉप वैसे हो सकते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमारे यूज़ में नहीं है तो अब हम इसको करेंगे साइड पे। और अब वक्त हुआ है हरी मिर्च काटने का, और हरी मिर्च सब जानते हैं कि मैं किससे काटती हूँ, कैंची से। सो अब हम इसको काटेंगे। अच्छा मुझे पर्सनली हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने नूडल्स में भी हरी मिर्च डाल के खाती हूँ, अपने सालन में भी हरी मिर्च डाल के खाती हूँ। आई एम अ लवर ऑफ हरी मिर्च। इनफैक्ट मुझे प्याज भी बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी के साथ भी आई लाइक प्याज, जबकि बचपन में मुझे प्याज ऐसे सच को इतनी अच्छी लगती नहीं थी, और हमारे घर में बिल्ली आ चुकी है। अच्छा ये सारी चीज़ें मेरी प्रिपेयर हो चुकी हैं, ठीक है। हमारे पास हरी मिर्च भी आ चुकी है, टमाटर भी आ चुके हैं, प्याज भी आ चुकी है। एंड मेक श्योर गर्ल्स कि जब हरी मिर्च या इस तरह की कोई मिर्चदार चीज़ अपने हाथ में लगा कर काम कर रहे हो तो ऐसे ऐसे ना करें, बिकॉज ये हरकत मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं कह रही हूँ तो मेरा मुँह इतना क्यों जल रहा है, मुझे उसके बाद पता लगता है मैंने हरी मिर्च काटी थी। ये ना कुछ इस तरह का आप मुँह पर आप हाथ लगा लिया कुछ भी कर लें तो आप बड़ा मसला हो जाता है, और कोई भी दुनिया का फेस वॉश यूज़ कर लें वो जो जलन होती है ना उस वक्त जो हो रही होती है वो नहीं जाती है। अब हम जो है तोड़ेंगे 2 अदद अंडे फॉर एन ऑमलेट। उसके लिए आपको 2 अंडे चाहिए होंगे जो कि आपको किसी भी बाजार से मिल सकते हैं। नाजरीन ये तोड़ दिया मैंने, इसको रखेंगे साइड पे। दूसरा अंडा आ गया है भाई, इट्स ऑल्सो डन। अच्छा अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सारी चीज़ें जो मैंने काटी थी। ठीक है ये हो गया। अच्छा क्योंकि मेरे पास आइट सी बात है टमाटर शमाटर ज़रा ज़्यादा थे तो इसलिए मैं 2 अंडे लिए, अगर आपको 1 अंडे का अंडे का बनाना हो तो आपने ये टमाटर शमाटर ज़रा कम काटने। और ये खूबसूरत तरीके से मेरी टीम ने सजाई, जिसके ना अम्मी अरशद भाई राही लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, आबिद भाई मुनव्वर भाई इमरान सब ने मिलके प्लेट सजाई है। इसके अंदर आप लाल मिर्च और नमक और ज़ीरा और हल्दी क्यों डाली है, सूखा धनिया भी है इसके अंदर। सो ये कुछ चीज़ें हैं लेकिन इसमें से मैं यूज़ करूँगी सिर्फ 3 चीज़ें जो कि हैं लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक। ये 3 चीज़ें आप डालेंगे हसब ज़ायका, बिकॉज हर किसी का टेस्ट होता है अलग। ओके मुझे कभी भी वो समझ नहीं आता था हाफ टी स्पून और फुल टी स्पून और ये वाला टी स्पून और वो वाला टी स्पून। आई एम ऑलवेज लाइक यार कम पड़ रहा है ज़्यादा कर लो। अच्छा ज़्यादा को आप कम नहीं कर सकते, कम को आप हमेशा ज़्यादा कर सकते हैं। सो बी वेरी मिनिमलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू स्पाइसेस, लिटिल बिट ऑफ मोर ज़ीरा। ओके अभी आ चुके हैं, आप इसको फेंटेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसको फेंटना है पूरी अपनी जान लगा देनी है इसको फेंटने में ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। मीनवाइल हम क्या करेंगे कि हम अपने चूल्हे को करेंगे ऑन ताकि हम ऑमलेट्स अपना बना सकें। तेल मेरे पास है, तेल ये रहा, तेल थोड़ा सा डाल देती हूँ बिकॉज ये फ्राई पैन बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीजें मेरी फेंट मैंने फेंट ली हैं
तो अब वक्त हुआ है कि मेरा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो जाए और ये फेट चुका है और जब ये गर्म होगा हम ऑमलेट इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारा ऑमलेट तैयार हो जाए। एक दफ़ा ऑमलेट तैयार हो जाएगा उसके हम बाद बनाएंगे पराठा। मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती, बस दोनों के अंदर तेल डालना है, गर्म होना है, सारा होना है, तो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं कि मैं दोनों वक्त में एक चीज़ कर सकूँ। तो जब तक ये गर्म होता है तब तक हम जरा इंतज़ार करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी आसीने चढ़ा लूँ क्योंकि हमारा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो चुका है और मेरा अंडा जो है वो रेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत तमीज़ से और बहुत एहतियात के साथ ये किया जाए बिकॉज़ कभी कभार छींटे ऊपर आ जाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यस, बिस्मिल्लाह। आई थिंक हमारा चूल्हा इतना गर्म हुआ नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नाउ आई थिंक इट्स गोना बी वेरी स्लो। कोई बात नहीं, हमारा क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव है तो इससे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट एनीवे ये पकता रहेगा और मैं खड़ी रह इसको देखती रहूँगी। बाय द वे, बड़े मज़े की एक चीज़ बताती हूँ, मेरा एक ड्रामा बहुत जल्द देखेंगे जियो पे, तो उसके अंदर एक शॉट है जहाँ मुझे ऑमलेट पूरा परफेक्ट तरीके से सलीका शाल लड़की की तरह ना उठा के ऐसे उसको पलटना होता है। तो वो शॉट मेरे लिए इतना मुश्किल था, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी नर्वस कभी नहीं हुई किचन में और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो उस वक्त करते हुए मुझे ऐसा हो रहा था कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसे होगा। एंड माई डायरेक्टर ही इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट एवरी डिटेल, तो उन्होंने कहा था कि नहीं है ना ये ऑमलेट टूटना नहीं चाहिए कहीं से, तो उन्होंने मुझे ट्रिक बताई थी कि इसको हिलाती रहा करो, यहाँ से इसको साइडों से ऐसा कर दिया करो और पूरा इसको बीच में से लेके जाके ऐसा पलटना, तो बिकॉज ही इज़ सो वेल इन ऑल ऑफ दैट, सारा हिमसेल्फ इज़ वेरी यू नो इन टू एवरी थिंग, तो उनको अच्छी तरीके से पता था। सो मैंने वो, और उस वक्त जब मैंने बगैर टूटा हुआ अंडा जब मैंने पलटा है और वो जो शॉट आया है, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज मैंने बगैर टूटा हुआ अंडा उस वक्त जो पलटा, दैट फीलिंग वॉज जस्ट अमेजिंग। इट वॉज मोर लाइक कि जैसे मैं बचपन में दो हाथों से तवा उठा के साइड पर रखती थी रोटी बनाने के लिए, मैंने एक हाथ से तवा उठा के साइड पर रखना शुरू कर दिया था। सो मेरी वालदा मुझे कहती थी दो हाथों से तवा क्यों उठाती हो, इतना भारी नहीं होता है, ऐसे लाइक मम्मा ये बहुत भारी है। बट यस, कुछ चीज़ ऐसी होती है किचन में जो आप करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैंने दुनिया फतह कर ली है। तो जब वो मेरा शॉट आया मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने दुनिया फतह कर ली है। अच्छा, ऑलराइट, सो मेरा ऑमलेट हो चुका है तैयार और मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि चूल्हा थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा उस तरह से उसकी हीट नहीं आ रही है, सो मैंने अम्मी से कॉन्फर्मेशन ली, अम्मी कह रही चूल्हा नहीं बना है, ऑमलेट बन चुका है। सो अब मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। अच्छा, प्लेट में निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ले लेंगे कुछ टिश्यूज ताकि इसका जितना तेल है वो जज्ब हो जाए। इसकी हम सबको घर पे जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को तेल इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा टूट गया है, कोई बात नहीं। Yay! Okay, so here it is, मेरा टूटा फूटा ऑमलेट मेरे भरपूर मोहब्बत से और हाथों से बनाया गया। कौन खाएगा? राइली सिंह, मैं खाऊंगा। Oh my God, Riley, so sweet. अम्मी आप नहीं खाएंगी? माई सिंह, माई भी खाएगी। Okay, everyone is gonna eat. Oh my God. ओके, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम रखेंगे साइड पे और चूल्हा कर देंगे बंद। अच्छा, और ये जो है यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। मेरा जो दूसरा फ्राई पैन है वो आग इस वक्त छोड़ रहा है और हम फटाफट अपना पराठा बनाना शुरू करेंगे। पराठा बनाने की प्लेट, व्हाट इज इट कॉल्ड, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन जो भी है ये बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे इस वक्त देखने में, तो बहुत ही क्यूट सी लग रही है। जब हम जो है वो करेंगे कि हाथों को करेंगे थोड़ा सा खुश और निकालेंगे अपना आटा, ज़्यादा पेड़े की मुझे ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आई एम मेकिंग अ वेरी स्मॉल पराठा फॉर माई सेल्फ। मुझे पेड़ा ही बनाना आता है, बच्चा समझ ली है। सी कितनी अच्छी तरीके से, अब इसको गोल 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 भी किया है, इज़न्ट इट गुड, अच्छा बनाया है ना। सी और कितनी परफेक्शन से मैंने इसको किया है, मैंने बहुत आटा गूंदा है, मैंने बहुत पेड़े बनाए, मैंने बहुत रोटियां बनाई है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे खून से ना गई, आई हैव डन इट सो मच दैट आई नो एब्सोल्युटली कैसे होना चाहिए।
अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे प्रॉपरली. आई थिंक अगर रोटी की तरह भी कोई बनाना चाहे पराठा तो बन सकता है. मुझे नहीं लगता उसको पूरा स्क्वायर करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अम्मी आप कैसे बनाती हैं? बिल्कुल नॉर्मल वो करके वो सारा सी चिपकता है तो उसको कैसे निकालना ये भी मुझे आता है. ऑलरेडी तेल है तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, मैं वो स्क्वायर वाली चीज़ नहीं करी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता. इनफैक्ट मजीद और तेल पेट में चला जाता तो ऐसा नहीं करेंगे. तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपना पराठा डाल दिया है. इस वक्त तवा हमारे पास नहीं था, तवा इज ह्यूज, सो तवे की हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी तो हमने फ्राई पैन के अंदर ही ये चीज़ कर ली है. अब इसको पलटने का वक्त आ गया है नाजरीन, सो मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने का इंतजार करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब तक पराठा गोल्डन ब्राउन नहीं होता आपको वो फीलिंग नहीं आती. और आप मुझे ओ भाई आटों में भी बड़ी टाइप होती है. एक होता है हमारे घर पे आता था अशरफी आटा, और एक होता है चक्की का आटा, और एक होता है गंदुम का आटा. तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों के घर पे कौन सा आटा आता है. चक्की का आटा जहाँ तक मुझे पता है गूंदना इज वेरी टफ. ओके सो मुझे सुनने में आया है कि जो चक्की का आटा होता है वो सबसे बेहतरीन आटा होता है. चक्की का आटा गूंदना इतना मुश्किल होता है, मुझे बचपन में पता नहीं क्यों मुश्किल लगता था, अभी तो मैंने आराम से गूंद लिया है. सो आई डोंट नो. अच्छा कुकिंग जो है ना, मुझे लगता है कुकिंग कैसा काम है जिसके लिए आपको चाहिए होता है निहायत पेशेंस. मैं पेशेंस वाली लड़की नहीं हूँ, मैं कहती हूँ हर चीज़ मेरी जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए. सो अब जैसे पराठा है, पराठे के लिए आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि हमारा चूल्हा इतना अच्छा नहीं चल रहा है. सो वी हैव टू वेट जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है. आप लोग लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जब आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब आटा यू नो पराठा गर्म हो रहा होता है, चीज़ें हो रही होती किचन के दरमियान, आप लोग सब लोग कितना फ़ोन यूज़ करते हैं? बिकॉज मैं किचन के दरमियान फ़ोन थोड़ा बहुत यूज़ किया करती थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. सो यू गाइज डू टेल मी कि जब किचन में आप लोगों के पास टाइम होता है, कोई चीज़ पकने में टाइम ले रही होती है, क्योंकि जैसे मुझे पता है खीर बन रही होती है, खीर में आपको मुस्तकिल वो चमचा चलाना होता है, तो मीनवाइल आप क्या करते हैं? चमचा चलाते रहते हैं या उसके दरमियान फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी से बातें कर लेते हैं, मतलब क्या ऐसा क्या किस तरीके से, हाउ डू यू किल योर टाइम व्हेन यू आर इन किचन? ऑलराइट सो बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद, बहुत दफ़ा चम्मच घुमाने के बाद मेरा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है. इट्स गोल्डन ब्राउन एंड इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इज वेरी स्मॉल जस्ट लाइक मी, सो इट्स लुकिंग परफेक्ट. अब चाय तो बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी आप लोगों को, प्लीज़ चाय तो हम सभी को बनानी आती है, और जैसे कि मैंने कहा था अगर नहीं आती है तो प्लीज़ बनाना सीख लें. सो येस दिस इज़ पराठा एंड दिस इज़ अंडा, और अभी हम आपको चाय भी दिखाते हैं कि चाय के साथ उसके अचार के साथ मैं अपना सारा नाश्ता करती हूँ, और खा के भी दिखाऊंगी कि हाउ डज इट फील. ये मेरी चाय आ चुकी है जो कि मेरे YouTube का मग है, उसके अंदर ये चाय है, और मैं भी अचार मंगवा लेती हूँ जिसके साथ मैं अपना पराठा खाती हूँ. सो वो भी हम आपको मंगवा के दिखाते हैं. सो यस मेरा पराठा, मेरा अंडा, चाय एंड अचार इज राइट हियर. मुझे अचार तो ऑब्वियसली बनाना नहीं आता, वो मैं वही खाती हूँ जो बाजारों से मिल रहा होता है. बट येस हमने आपको आटा भी गूंद के दिखाया, पेड़ा पूरा उसका बनाया, पराठा बनाया, ऑमलेट बनाया. ऑमलेट के अंदर मैंने प्याज श्याज सब, लास्ट वीडियो जो हमने लास्ट चैनल के लिए की थी उसमें सब कुछ कटा कटाया रखा हुआ था मेरे सामने, तो इसमें हमने कट भी किया, सब कुछ करके दिखाया. एंड येस जितनी लड़कियां घरों पे काम करती हैं, जितनी लड़कियां रोटियां बनाती हैं, उन सबसे मैं रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज खुद व्हेन आई वाज इन माय 9th, 8th, 10th स्टैंडर्ड मैं रोज 8 या 9 रोटियां बनाती थी घर में, और अगर एक रोटी भी ज़्यादा कोई मांगता था, एक लड़की का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ जब चूल्हे के आगे आपके ऊपर पसीना आ रहा होता है, आप गर्मी के अंदर चूल्हे में रोटियां बना रहे होते हैं, तो अगर कोई बोलते मुझे एक और रोटी बना तो आप कहते हो खुदा हो खुदा के अपनी रोटी बनाओ. मुझे पता है कि कोई इतना रोटियों का हिसाब नहीं रखता होगा जितना बनाने वाला रोटियों का हिसाब रखता है. उसको पता होता है कि मैंने कितनी रोटियां बनाई, कितने पेड़े बनाए, कितने पेड़ों का आटा मैंने गूंदा है. सो दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट. ये ब्रेकफास्ट, ये नाश्ता मैं रोज़ करती हूँ बिना नागा, और सुबह उठते ही मेरे सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है अंडा, पराठा, चाय या अचार जो मेरे पेट में जाता है. आई कैन नॉट लिव विदाउट पराठा, बट येस एज आई सेड इन द वीडियो के इनिशियली के रोज़ खाना सही नहीं है, कोशिश कीजिए कि फ्रूट, ओटमील, ये सारी चीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए हैं. और जिस दिन मैं इसको रिलीजियसली शुरू कर दूंगी तो मैं उसको बना के भी दिखा दूंगी, लेकिन कीप अ चेक एंड बैलेंस. जिस दिन पराठा खाने का दिल करे, हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया, मेरी तरह रोज़ ना खाइएगा. और यस अगर खाना है तो उसके लिए वर्कआउट ज़रूर करना पड़ेगा रोज़, तो अगर आप वर्कआउट करेंगे रोज़ तो यू कैन ऑलवेज एन्जॉय दैट. सो या अब मैं काम करूँगी कि मैं लूँगी अब इसका एक बाइट क्योंकि आई एम रियली क्रेविंग फॉर इट, क्योंकि मैंने बनाया है, सो आई रियली नीड टू ईट इट नाउ.
अच्छा बनाया, नो कमी पेशी, नो नथिंग। अच्छा यूली, जब आप अचार और पराठा और सारा डाल के चाय के अंदर डिबोते हैं तो चाय के अंदर बहुत सारा लू आ जाता है, अचार का मिक्सचर आ जाता है, बट स्टिल आई डोंट केयर, वो जो अचार वाली चाय होती है मैं वही पीती हूँ बिकॉज आई लाइक इट। सो यस, मैंने आप सबको आज दिखाया कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ, नाश्ते में क्या खाती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा आप सब लोग कितने हैं तादाद में जिनको पराठा देसी खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ब्रेकफास्ट में आप मेक श्योर करते हैं कि आप पराठे खाए बगैर घर से नहीं निकलेंगे और धरना दे देते हैं जिस दिन आपको पराठा खाने को नहीं मिलता। रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।